अथ श्री चाणक्य निधि। चाणक्य नीति का प्रथम अध्याय का सार। भारत में परंपरा रही है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले देवी देवता और प्रभु का स्मरण किया जाता है, जैसे वो कार्य सफल हो जाता है। और आचार्य चाणक्य भी प्रभु विष्णु को नमन करते हुए इस ग्रंथ की रचना की थी। चाणक्य राजनीति के संबंधित उत्तम ज्ञान का संग्रह किया है और वो जन सामान्य के लिए चाणक्य नीति का नाम दिया गया। चाणक्य उचित और अनुचित कार्य का भेद समझाते हैं। मनुष्य के लिए किसी कार्य का प्रारंभ करना इसके पूर्व योग्य अयोग्य कार्य और धर्म अधर्म की बाबत की जानकारी होनी जरूरी है। धर्म की व्याख्या के अनुसार हत्या करना अपराध है, अधर्म है, किंतु लोकाचार और नीति शास्त्र के अनुसार विशेष परिस्थितियों में ये कार्य धर्म के विरुद्ध नहीं है। राजनीति का ज्ञान होने से मनुष्य की अपनी बुद्धि और कर्तव्य को जान सकता है। इसीलिए आप ये राजनीति की चाणक्य नीति समझ लीजिए। चाणक्य कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने से कोई लाभ नहीं होता, दुष्ट स्त्री को पोषण करने से बुद्धिमान व्यक्ति को कष्ट होता है, रोगों से पीड़ित और धन रहित व्यक्ति से संबंध हानिकारक है, और सर्व प्रकार दुखी लोगों से दूर रहना चाहिए। सर्वप्रथम चाणक्य कहते हैं कि दुष्ट लोगों से दूर रहना ही बुद्धिमान मनुष्य को कष्ट सहन करना पड़ता है। चाणक्य मनुष्य जीवन में धन का महात्म्य समझाते हैं और संकट के समय में धन का संचय करना चाहिए और धन से पत्नी परिवार की रक्षा करनी चाहिए, परंतु व्यक्ति अपनी खुद की रक्षा सर्वोपरि मान रही है, जिससे धन व्यक्ति को आपत्ति का सामना कर सकता है। परंतु यही सत्य है कि लक्ष्मी चंचल है, इसका दुरुपयोग करने से नष्ट हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि लोभी होकर हाथ पग मारने से उपलब्ध वस्तुओं के संतोष होना चाहिए और लोभी लोगों को इस तरह से कष्ट होता है। सही है, किसी भी देश और स्थान में जाने के प्रलोभन अवश्य होता है, परंतु किसी की विद्या प्राप्ति होने से की संभावना न हो तो वो स्थान को छोड़ देना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि वही स्थान में रहना चाहिए जहाँ सम्मान मिलता हो, बंधु और समाज परिवार हो। आजीविका का मतलब व्यवसायत्मक बुद्धि, जहाँ अच्छा व्यवसाय चल रहा हो, अपने मित्रों का संबंध हो, सगे संबंधी मिलते हो और वहीं रहना चाहिए। और आपत्ति काल में स्त्री का वास्तविक रूप पता चलता है, वो धन हानि से अगर आपके साथ रहती है तो वो स्त्री योग्य है आपके साथ रहने योग्य। मनुष्य को अधिक लालच में नहीं रहना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए जो अच्छा ज्ञान दे। चाणक्य की दृष्टि में नीच कुल में उत्पन्न स्त्री अच्छे गुणों वाली हो तो विवाह करने योग्य है। हिंसक जानवर और नदी के प्रचंड वेग के आसपास नहीं रहना चाहिए। जो जिसके पास हथियार है इसके पास भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी गुस्से होकर आपसे प्रहार कर सकता है। मतलब हिंसक पशुओं से बचना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। जो व्यक्ति के पास हथियार होता है इसका भरोसे करने योग्य नहीं है।
और चंचल स्वभाव वाली स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए और राज घराने से संबंधित रखती स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि स्त्री अधिक चतुर और साहसी होती है, स्त्री अधिक श्रम करती है इसलिए वो भोजन भी ज़्यादा करती है, इसलिए स्त्री पूरे परिवार को भरण पोषण करके ही अपना वो करती है। इतिहास में लक्ष्मीबाई जैसे अनेक उदाहरण वो साहस का परिचय देते हैं। ये हमने संक्षिप्त में चाणक्य नीति का अध्याय एक आपको बताया है। आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।